हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने यूट्यूब चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्यूस पर एक्सप्लेन करूंगा बॉयलर टर्बाइन स्टार्टअप कर एब्सोल्यूट कोल्ड स्टार्टअप। तो बेसिकली यूनिट का जो स्टार्टअप है वो तीन तरह का होता है, कोल्ड स्टार्टअप, वार्म स्टार्टअप और हॉट स्टार्टअप। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो 72 आवर्स या उससे अधिक टाइम के लिए अगर यूनिट बंद है और यूनिट को हम रिस्टोर कर रहे हैं, यूनिट को स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो कोल्ड स्टार्टअप कर्व कहलाता है। अब स्टार्टअप कर्व में क्या होता है कि जो टाइम लाइन है उसके साथ में जो एक्टिविटी है, जो अदर पैरामीटर है, उनके बीच का जो कर्व है उसको हम स्टार्टअप कर्व बोलते हैं। यहाँ पर टॉप में मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं यूनिट रिस्टोर करने के लिए उनको मेंशन किया गया है, मेन स्टीम फ्लो, मेन स्टीम और रेगुलेटर का प्रेशर, स्टीम टेम्परेचर, टर्बाइन आरपीएम और लोड, इसको लिया है। तो देखेंगे कि कब कौन सा पैरामीटर किसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। अगर हमने बॉयलर को लाइटअप किया, बॉयलर लाइटअप करने के बाद में जो मिनिमम हमारा ऑयल गन है वो 6 LDO gun या 8 LDO gun को हम सर्विस पर रखेंगे, तो देखेंगे 40 से 45 मिनट। इसके बाद क्या होगा, स्टीमिंग स्टार्ट होता है। स्टीमिंग स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो इसका आप देख सकते हैं जो बॉयलर का ड्रम मेटल टेम्परेचर है, बॉयलर ड्रम मेटल टेम्परेचर जब 120-130 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो उसके बाद में जो ड्रम प्रेशर है उसमें आपको मिनिमम इंक्रीज देखने को मिलेगा कि जैसे अगर 0 था तो 0.1, 0.2 ऐसे आपका प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है कि स्टीमिंग स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, आप बॉयलर ड्रम वेंट को 2 kg में बंद करेंगे, स्टार्टअप वेंट ओपन रहेगा। तो बॉयलर ड्रम वेंट को क्यों हम 2 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर आने पर ही क्लोज करते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उसके बाद 45 मिनट में आप ड्रम वेंट बंद करेंगे तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, ड्रम प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। देन 4 to 6 kg प्रेशर जब आएगा तो MS लाइन को चार्ज करेंगे। ये मैं जो आपको कोल्ड स्टार्टअप कर्व एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 600 मेगावाट यूनिट का कोल्ड स्टार्टअप कर्व है। उसके बाद क्या होगा कि आप मेन स्टीम लाइन चार्ज करेंगे, APIDS चार्ज करेंगे, ऑक्सिलरी प्रेशर रिड्यूसिंग डिसिपेटिंग स्टेशन चार्ज करेंगे और देन क्या करेंगे, मेन जो टर्बाइन है उसका ग्लैड सीलिंग चार्ज करेंगे और वैक्यूम पुल करेंगे। इतनी प्रोसेस होने के बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर बायपास कट इन करना। जब आपका वैक्यूम पुलिंग हो जाएगा उसके बाद में आप HP बाईपास LP बाईपास को कट इन करेंगे। तो देखिए इसके पहले तक HP बाईपास LP बाईपास कट इन करने के पहले तक मेन स्टीम टेम्परेचर और HRH का जो कर्व है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका रीजन है कि जब तक आप HP बाईपास LP बाईपास को सर्विस में नहीं लेंगे तो मेन स्टीम का और HRH का जो टेम्परेचर का इंक्रीज है वो बहुत ही मिनिमम होगा, जिसको यहाँ पर दिखाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि HP बाईपास LP बाईपास सर्विस में लेने के बाद ही आपका मेन स्टीम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। इसका रीजन है कि आपका मेन स्टीम का फ्लो होने के बाद में जब फ्लो बढ़ जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, सर्कुलेशन में आ जाता है। इसके बाद मेन स्टीम टेम्परेचर, HRH टेम्परेचर, ये यहाँ पर कर्व में शो कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर एक अदर पैरामीटर आप देखेंगे कि मेन स्टीम का फ्लो, मेन स्टीम का फ्लो भी यहीं से विजिबल होगा। इसके पहले क्या है, जो भी फ्लो हो रहा था ड्रेन से फ्लो कर रहा है या समवॉट फ्लो जो है वो वेंट से फ्लो कर रहा है, जो कि बहुत ही कम होता है। इसके बाद मेन स्टीम का फ्लो यहाँ पर देखेंगे आप, इस लाइन को एक्स एक्सिस से अगर यहाँ पर देखेंगे तो 100, 120 देन मेन स्टीम का फ्लो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप अदर एक्टिविटी आएगी, टर्बाइन रोलिंग, जो टर्बाइन रोलिंग है वो 120-130 मिनट के बाद में, मीन्स 2 आवर्स से लेकर 2 आवर्स 20 मिनट इसमें जो है टर्बाइन रोलिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमारा मेन स्टीम का प्रेशर है वो सफिशियंट प्रेशर हो, 40-45 kg प्रेशर हो। मेन स्टीम का जो टेम्परेचर है, मेन स्टीम टेम्परेचर अगर कोल्ड स्टार्टअप है तो 380 डिग्री सेंटीग्रेड, 390 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से मेन स्टीम का टेम्परेचर होगा। और केमिकल पैरामीटर में अगर बात करेंगे तो सिलिका, आयरन कंटेंट, इन सभी को चेक करेंगे टर्बाइन रोलिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर मेन स्टीम का जो केमिकल पैरामीटर है सिलिका या सोडियम कंटेंट ये सब अगर हायर साइड है तो आप टर्बाइन को रोल नहीं कर सकते हैं।
जब इसका क्लियरेंस आ जाएगा केमिस्ट्री का, तो आप टर्बाइन रोलिंग स्टार्ट करेंगे। 600 मेगावाट यूनिट में जो टर्बाइन का बारिंग आरपीएम है वो 70-90 आरपीएम पे टर्बाइन बारिंग में रहेगा, और जब आप रोलिंग स्टार्ट करेंगे तो 360 आरपीएम देंगे, स्पीड इनपुट देंगे। यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपका टर्बाइन का आरपीएम शो कर रहा है। जैसे आप 360 आरपीएम में डालेंगे तो 360 आरपीएम आने के बाद में जो टर्बाइन को सोकिंग देंगे, सोकिंग देने से क्या होगा कि टर्बाइन का इंटरनल कंपोनेंट्स का टेम्परेचर है, जैसे केसिंग टेम्परेचर, शाफ्ट टेम्परेचर और टर्बाइन का जो शाफ्ट एक्सपांशन है, इन सभी को वॉच करेंगे, टर्बाइन का वाइब्रेशन, बेयरिंग टेम्परेचर। उसके बाद 360 आरपीएम पर सोकिंग कंप्लीट होने के बाद में आप टर्बाइन को 3000 आरपीएम में लेके जाएंगे। जब 3000 आरपीएम में लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम का फ्लो है, देखिए कैसे तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और जब यूनिट हमारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, यूनिट सिंक कब हो रहा है, यूनिट सिंक हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 180 मिनट में। 180 मिनट मीन्स 3 आवर्स। तो यहाँ पर कोल्ड स्टार्टअप में सिंक्रोनाइज तक जो टाइम लग रहा है वो 180 मिनट लग रहा है, मीन्स 3 आवर्स। तो ये स्टैंडर्ड कर्व है। कभी आप देखेंगे कि आपका जो कोल्ड स्टार्टअप में यूनिट है 600 मेगावाट या 500 मेगावाट का, तो 3 आवर्स में अगर सिंक नहीं होता है तो 4 आवर्स या 4 आवर्स 30 मिनट ये एक्चुअल टाइम लगता है। इसमें क्या है, हम स्टार्टअप कर्व की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ पर हम सभी एक्टिविटी जो है वो विद इन टाइम परफॉर्म हो रही है। जैसे ये बॉयलर लाइटअप यहाँ पर 0 मिनट पर लिया है, कि जैसे ही हम गन को कमांड दिया हमने बॉयलर लाइटअप हो गया हमारा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब कभी अगर हम गन को कमांड देते हैं तो हो सकता है कि 5 मिनट या 10 मिनट तक तो गन ही सर्विस में नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कोल्ड स्टार्टअप में, क्योंकि बॉयलर बहुत कोल्ड स्टार्टअप में बॉयलर का जो फर्नेस है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है, और वहां पर एलडीओ गन सर्विस में लेते टाइम ये प्रॉब्लम आता है कि गन सर्विस में नहीं आती है और थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड कर्व है। यहाँ पर यूनिट सिंक कब हुआ है, 1-3 आवर्स में आपका यूनिट सिंक हो गया। उसके बाद में यहाँ अगर देखेंगे तो लगभग 10-20 मिनट बाद बायपास क्लोज हो रहा है। लेकिन बायपास प्रैक्टिकली क्या होता है, बायपास को थोड़ा ओपन करके रखते हैं, हाफ एन आवर वॉच करते हैं। इससे अगर कभी यूनिट अगर ट्रिप होता है तो हमारा रेटर प्रोटेक्शन ऑपरेट ना हो, रेटर प्रोटेक्शन में बॉयलर ट्रिप ना हो। तो अगर रीडर प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरे चैनल से रीडर प्रोटेक्शन का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एचपी हीटर कट इन कब हो रहा है। यहां जब यूनिट सिंक हो गया, यूनिट सिंक होने के बाद में क्या है कि जो लोड का यहां से कर्व लोड वाला यूनिट लोड का यहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, और जब लोड हमारा 150 मेगावाट 110-120 मेगावाट जब लोड आ रहा है तो वहां पर हमारा एचपी हीटर चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद एचपी हीटर चार्ज होने के बाद में एलपी हीटर तो यूनिट सिंक्रोनाइज के टाइम ही चार्ज हो जाएगा, ये जब 3000 आरपीएम में टर्बाइन आएगा। उसके बाद ये कंटिन्यू लोड यहाँ पर इंक्रीज करता जाएगा, कंटिन्यू लोड इंक्रीज कर रहा है। मेन स्ट्रीम फ्लो, मेन स्ट्रीम का जो रीडर का फ्लो है वो इंक्रीज कर रहा है, और जब हमारा जो लोड है लोड यहाँ पर आएगा 400 मिनट में, 400 मिनट मीन्स कितना हो गया, 6 आवर्स 40 मिनट में फुल लोड अचीव कर लिया। देन हमारे सभी पैरामीटर आने में 500 मिनट का टाइम लग रहा है। 500 मिनट अगर बात करेंगे तो 8 आवर्स एंड 20 मिनट। तो यहाँ पर रेटेड पैरामीटर क्या है, मेन स्ट्रीम का फ्लो। जैसे 600 मेगावाट पर जो बॉयलर का BMCR है वो 1950 टन पर आवर है 600 मेगावाट की यूनिट के लिए, और जो TMCR है मींस टर्बाइन मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग वो 1796 टन पर आवर, मींस 600 मेगावाट लोड के लिए 1796 टन पर आवर स्टीम का रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से रेडिएटर का फ्लो है 1595 टन पर आवर होगा। रेडिएटर का फ्लो कम रहता है क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन से हम स्टीम लेके और डीएरेटर को चार्ज करते हैं, एचपीटर को चार्ज करते हैं, तो कुछ एक स्टीम वहां पर यूज हो जाता है और रेटर में हमारा स्टीम मेन स्टीम से कम फ्लो करता है। अगर मेन स्टीम और रेटर टेम्परेचर की बात करें तो 537 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर रेटेड है। जो तरीके से टाइम लाइन के साथ में सभी पैरामीटर है कब कौन सी एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हो सकता है काफी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हो गया है, तो अगर आप इसको जूम करके देख सकते हैं वीडियो को,
तो देखने में ये हेल्पफुल रहेगा, ये मेरिस्टीम में टेम्परेचर है, एचआरएस टेम्परेचर, मेरिस्टीम का फ्लो, मेरिस्टीम प्रेशर। यहाँ पर जब आप यूनिट को रोल करेंगे, रोल करने के बाद में टर्बाइन आरपीएम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, देन जब यूनिट को सिंक करेंगे तो ये लोड का कर्व यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा और इस तरीके से ये